यार इतनी देर हो रही है, कहीं लाला को भेजकर हमने कोई गलती तो नहीं कर ली? अरे नहीं नहीं, पहचान वाला आदमी है, धोखा थोड़ी ना होगा, देरी तो हो ही जाती है। फोन कर रहा हूं लाला को, फोन भी नहीं उठा रहा। अपनी घरवाली के पास होगा, हमें क्यों याद करेगा। एक बार फिर फोन करके देखता हूं, शायद इस बार उठा ले। वो कहाँ हो लाला, पहुंचे नहीं अभी तक? अरे घर के बाहर ही है, पहुंच गए। अच्छा पहुंच गए, घर के बाहर आ जाओ। ठीक है। अरे लो आ गया। चलो 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 चलो। ये लीजिए जय जी, आपकी बाकी की रकम, एक बार गिन लीजिए। गिने तो मैंने 6 लाख नहीं थे, 1 लाख क्या गिनूंगा। इतना तो भरोसा है तुम पर, उस दिन जब पहली बार मिले थे तब लगता था कि तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन तूने कर दिखाया है। अरे हम कहाँ कर सकते थे, ये तो इन तीनों की मेहरबानी है जो ये काम हो गया। अच्छे दोस्त हमेशा नैया पार लगा देते हैं, अगर दोस्त अच्छे ना हो तो नैया डुबा भी देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त चुनो।
एक तुम्हारा वो है पप्पू, उसके बाप ने अभी तक 2 लाख नहीं दिए मेरे, कल जाऊंगा उनके पास भी। अरे उनके पास पैसों की क्या कमी है? अरे उनकी जोड़ी तो जम गई है। जब काम करवाना होता है तो सभी हाथ फुलाते हैं, जब लड़की घर आ जाती है तो इनके तेवर बदल जाते हैं, कहता है अगली फसल पे दूंगा। खैर छोड़ो इन बातों को। चलता हूं अब, ख्याल रखना अपनी बीवी का। अरे भैया जी यहीं पे रुक जाइए, आपके सोने का इंतजाम करवा देते हैं। अरे मैंने एक दो काम और भी निपटाने हैं, और तेरी सुहागरात भी तो है आज, तुम दोनों को अकेला भी तो छोड़ना है। साला झूठ बोल रहा है। तेरे अंदर से तो यही आवाज आती होगी ना, जाओ जाओ जाओ। कल मिलते हैं सुबह भाभी से। अरे वो तो आपके सामने घूंघट ओढ़ेगी ना, बड़े जो हुए। अरे उनकी आवाज ही सुन लेंगे। हाँ अभी हाँ, हमें भी अपने अपने घर चलना चाहिए। कल सुबह की चाय हमारे साथ होगी आपकी। पक्का है? पक्का, मगर मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है ठीक है। अच्छा चलते हैं। अगर नींद आ रही है तो लेट जाते? नहीं, वो थोड़ा थक गए थे तो आंख लग गई थी। वो माफ कीजिएगा, जैसे लोग शादी ब्याह में शगुन करते हैं ना, हम आपके साथ कर नहीं पाए। आप माफी क्यों मांग रहे हैं, बैठिए ना।